इफ इन केस अगर वॉइस लाइक क्लियर नहीं हो पाता है, ऑडिबल नहीं हो पाता है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एज वेल, राइट। सो जो कि आज का हमारे यहाँ पे सेशन रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा खास, विच इज होल्ड द विजन ट्रस्ट द प्रोसेस। आई बिलीव हर कोई जो है, सो आई बिलीव हर कोई जो है चाहते हैं कि अपने लाइफ में हर कोई सक्सेस पाना ही चाहते हैं। सो हमें कितना ज्यादा विजनरी होना होगा, अपने विजन्स को किस तरह से हमें होल्ड करनी है, कुछ कुछ वैसी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है, मिशन प्लस विजन इज इक्वल्स टू सक्सेस। इफ वी वॉन्ट सक्सेस, अगर हम सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो मिशन है और जो हमारा विजन है, दोनों ही हमें बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, आगे लेके चलने की जरूरत है। विजन और मिशन को अगर हम कंपेयर करके देखें, इसमें डिफरेंसेस अगर थोड़े से हम देखें, वी कैन से विजन इज फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, जो भविष्य में होने वाला है, एंड मिशन जो हमारा रहेगा वो प्रेजेंट टेंस रहेगा, मतलब जो अभी हम कर रहे हैं और जो हमने मिशन तैयार करके रखा हुआ है, हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा भविष्य जो है, जो हम चाहते हैं भविष्य में उसको अचीव कर सके। विजन डिस्क्राइब करता है फ्यूचर स्टेट यू आर अल्टीमेटली वर्किंग टूवर्ड्स, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मिशन डिस्क्राइब करता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये करने से हमें किन लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, इस काम से बहुत ही अच्छे से बेनिफिट मिल सकती है। विजन कभी ना कभी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, अगर हमारा मिशन अच्छा रहा तो। मिशन जो है डेली डेली मैसिव एक्शन करेंगे तो ही जाके हमारे विजन जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से पूरे होंगे। टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है, बिकॉज हमने एक कोटेशन बहुत बार नोटिस की होंगी, हर जगह पे हमने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अर्निंग फॉर एंटायर लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, केवा कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, जहां पे एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी हम लोग वहां पे अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। सो जिस वजह से हमारे गोल्स जो है वो भी हमें लॉन्ग टर्म रखने होंगे, लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो लॉन्ग टर्म गोल भी हमें रखना होगा। वन हैज टू गो थ्रू अ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हो सकता है कि थोड़ा सा समय ले, लेकिन हमें अपनी जो हमारे प्रोसेस है, हमें उस पर ट्रस्ट करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ऑलवेज कीप अवर फोकस ऑन द गोल, हमें अपने जो गोल है उस पे फोकस रखने की जरूरत है, रादर देन प्रॉब्लम, या बजाय प्रॉब्लम्स के जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा अचीव होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आती जा रही हैं। सो उन सारी चीजों को, एक्सक्यूजेस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ हम अपने गोल पे ज्यादा फोकस रहेंगे, प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली धीरे धीरे सॉल्व भी होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हमने यहाँ पे आज कोट किया है कि टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल, यहाँ पे ये वर्ड सबसे पहला लिखने का यही मतलब था। कभी कभी जो फ्रेशर्स हम बोल सकते हैं, जब न्यू न्यू बिजनेस ज्वाइन करते हैं, नॉट एवरी वन बट कुछ लोग जो रहते हैं, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, बहुत ज्यादा पैनिक होने लग जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वांट कि हर चीजें बहुत ही, जो सक्सेस है वो आधे महीने में, 1 महीने में ही हर चीजें मिल जाए। तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीजें अगर हमें लॉन्ग टाइम हम बिजनेस कर रहे हैं और एंटायर लाइफ के लिए अगर हम अर्निंग हमेशा करना चाहते हैं, तो हमारे गोल भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इनके साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस रहेगा ही रहेगा, विच मीन्स हमें पेशेंस रखना ही होगा। होल्डिंग ऑन टू योर विजन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ सक्सेस। यू नीड टू ट्रस्ट योर प्रोसेस। हमने अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है, और प्रोसेस विच मीन्स हमारा जो मिशन है और हमारा जो विजन है, मतलब हमने जो मिशन क्रिएट किया है कि हमें इन ऊंचाइयों तक सक्सेस जो है वहां तक पहुंचना है।
तो सक्सेस और मिशन के बीच में जो प्रोसेस रहता है, ये वही है हमें किन किन ऑब्स्टिकल्स जो है, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, सिचुएशंस, उनको बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हुए आगे बढ़ना है। सो हमें अपने प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत है, हम किस तरह से अपने प्रोसेस करेंगे, एंड नॉट गिव अप व्हेन थिंग्स गेट टफ। और कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है जब कभी हमें ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। एक एग्जांपल दे सकते हैं, मान लीजिए कि हमें प्लान दिखाना है शुरू शुरू में, राइट? तो डेफिनेटली अब प्लानिंग दिखाने के टाइम बहुत बार ऐसे माइंड में शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आ सकती है, हेजिटेशन आ सकते हैं कि पता नहीं हम लाइक प्लान है वो किस तरह से दिखाएंगे। लिव इट ऑन अपलाइन, हम अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं ये सारी चीजें है, डेफिनेटली नॉट। ये इससे हमारा ही काफी ज्यादा डिमोशन होने लग जाएगा। इफ वी वांट प्रमोशन, इफ वी वांट सक्सेस, डेफिनेटली हमें उन सारी चीजों से गो थ्रू होना होगा। उन सारी जो टफ चीजें हैं, हमें उन सारी चीजों को सॉल्व करना ही होगा। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल, हमने अपने गोल पे फोकस्ड होने की जरूरत है। कीप डूइंग द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू रीच देम, हमने वो सारी चीजें करनी है जो चीजें हमें हमारे गोल तक पहुंचाने के लिए वो सारी चीजें काम आती हैं। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, कीप वर्किंग हार्ड, हमेशा हमें हार्ड वर्क करने जाना करते ही रहना है, बिकॉज दीज आर द क्लचेस फॉर योर फॉर अ रीजन। डेफिनेटली जो हम लोग बोलते हैं ना, एक सब घिसी पिटी चीजें हैं, राइट? तो डेफिनेटली हम लोग हमेशा, हमने शुरू से ही हम सुनते हुए आ रहे हैं, जो भी लोग काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, डेफिनेटली उनको वो सारी जो चीजें हैं वो मिलती ही मिलती हैं, उनके उनके फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलते हैं। और ये वर्ड जो बहुत टाइम से चले आ रहा है, डेफिनेटली ये वर्क भी करता है। इवन थिंग्स जो है वो वैसी ना चले जैसा हम चाहते हैं चलने, राइट? एंड यू कैन स्टार्ट टू डाउट, कभी कभी डाउट भी होने लग जाता है कि जो विजन हमने सेट किया भी है वो हमारे हिसाब से चल भी रहा है या नहीं रहा है। डू नॉट स्टॉप वर्किंग टूवर्ड्स इट, कभी भी हमने वहां पे स्टॉप, अपना फुल स्टॉप लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपने आई को कीप योर आईज ऑन द प्राइज, जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। डेफिनेटली अपने वर्क पे, अपने चीजों पे हमें ट्रस्ट, भरोसा करके रखने की जरूरत है। उसका एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट काफी ज्यादा अमेजिंग आएगा ही आएगा, राइट? ट्रस्ट दैट द प्रोसेस विल लीड यू, विच मीन्स हमने अपने प्रोसेस पे भरोसा करने की जरूरत है। जो चीजें हमें जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ही अच्छे से हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं। एंड इनके साथ साथ इफ यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट, हो सकता है अचानक से एट अ टाइम ही रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी टाइम, लेकिन हैव पेशेंस, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। बिकॉज जर्नी जो है सक्सेस की, हो सकता है बहुत ज्यादा इजी ना हो, बहुत डिफिकल्ट भी हो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड। हमें काफी ज्यादा अपना फोकस्ड जो है अपने काम के प्रति वो बनाए रखनी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, डिटरमाइंड रहना है, एंड हमें ये जानना है डेफिनेटली, एंड नो दैट मोर वर्क यू पुट इन नाउ, हम जितना ज्यादा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, अब भी हम बहुत ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, इसका ग्रेट रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग पूरे साल भर जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें रहती हैं, डेफिनेटली ही और शी विल गेट अ गुड रिजल्ट, उनको काफी ज्यादा गुड रिजल्ट भी मिलेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। सो दिस इज हाउ ये हमारे लाइफ में भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम फोकस्ड रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, जितनी ज्यादा कंटिन्यूटी रहेगी उतना ही ज्यादा हमारा बोलते हैं ना कि देर से ही सही, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल भी आता है। वर्क ऑन डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, हमारा जो लाइक माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट काफी ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। लर्न हाउ टू बी पेशेंट, हमने हमने सही से अपने आप को ये धीरे धीरे करके समझने की जरूरत है कि पेशेंस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी
जरूरी है एंड रेजिलियंट एज यू गो थ्रू लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे और इन सारी चीजों से हमें तजुर्बा जो है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है. होल्ड ऑन द बिगर पिक्चर एंड नो दैट द थिंग्स विल वर्क आउट इन द एंड. हमारा ये जो हमने बहुत बिगर सा पिक्चर अपनी माइंड में क्रिएट करके रखा है कि हम लाइक जब सक्सेस हमें मिलेगी तो हम अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक हैप्पी मोमेंट जो है वो लेके आ सकते हैं. उनके फ्यूचर को हम बहुत ज्यादा अच्छे से ब्राइट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात हम बहुत सारे ऐसे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो डेफिनेटली जो काफी ज्यादा नीडी है. हर किसी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके वजह से वो अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से लीड कर सके. सो ऑल वी हैव टू डू इज कि ट्रस्ट दैट थिंग्स जो है चीजें जो है भरोसा रखना है कि चीजें जो है वो डेफिनेटली वर्क करेंगे ही करेंगे. शर्त ये है कि हमने फेथ रखने की भरोसा रखने की जरूरत है प्रोसेस के ऊपर क्योंकि डेफिनेटली दैट द प्रोसेस विल लीड योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन जो है वहां तक हमें लेके ही जाएंगे. स्टे पॉजिटिव. हमने फोकस करना है अपनी चीजों के ऊपर डेफिनेटली विद इन योर कंट्रोल जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टे एक्टिव एंड एंगेज विद योर वर्क. हमने काफी ज्यादा एक्टिव रहना है और अपने काम में काफी ज्यादा हमने एंगेज रहने की जरूरत है. डेफिनेटली हमें गुड रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा जल्दी. जितना भी हमने एफर्ट्स उसमें डाला है उतना बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट भी मिलेगा. विजुअलाइजिंग योर गोल विल हेल्प यू टू कीप यू मोटिवेटेड. ये हमें काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहने में हेल्प करेंगे. एंड डेफिनेटली फोकस्ड ऑन द थिंग दैट मैटर्स यू मैटर्स मोस्ट डेफिनेटली टू यू जो हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करते हैं जो चीजें वो सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे. डेफिनेटली जो चीजें हमें मोटिवेट करती हैं ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे हमारे विजन तक हमें पहुंचने के लिए. और इस वजह से हमें बोला जाता है कि हमें विजनरी होना काफी ज्यादा जरूरी है बिकॉज अगर हम अपनी इच्छाओं को अपनी चॉइस जो है अपनी इच्छाओं को लिमिट कर देंगे उसी पे ही रोक लगाने लग जाएंगे टू व्हाट सीम्स पॉसिबल और रीजनेबल. मतलब हमारे लिए जो हो सकता है जो रीजनेबल है हमने उस पे ही बहुत ज्यादा लिमिट कर दी है. मतलब एक हम इमेजिन कर सकते हैं अगर कोई सोचेगा कि मैं इस क्लास तक आज इस ईयर इस क्लास तक ही पढ़ना चाहूंगा या चाहूंगी उसके बाद मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी राइट. हमने क्योंकि लिमिटेशन लगा दी है हमने ये पहले से लिमिटेशन लगा दी है कि हम तो इतना ही मनी अर्न कर सकते हैं इससे ज्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं. ये सारी चीजें हमने खुद ने लिमिटेशंस लगाई हुई है. और अगर हमने अपनी इच्छाएं अपने सपनों के ऊपर ही अगर बंदिशें लगा दी हैं बहुत ही ज्यादा लिमिटेशंस लगा दी हैं डेफिनेटली यू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट यू ट्रूली वांट. हम उन सारी चीजों से हम खुद ही नाता तोड़ने लग जाते हैं जो चीजें असलियत में हम चाहते हैं एंड दैट इज लेफ्ट इज कॉम्प्रोमाइज. हम अपने लाइफ में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं. हम कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं अपने सपनों से. हम कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं अपनी इच्छाओं से अपने एक लाइक न्यू लाइफ को बहुत ही अच्छे से हैप्पी लाइफ को जीने के लिए हम सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज हम यहाँ पे देख सकते हैं विच इज दो यहाँ पे है PM. फर्स्ट PM हम लोग बोलेंगे हमारा जो पर्पस है वो मिशन होना चाहिए. प्रॉफिट मनी जो है वो सबसे पहला नहीं होना चाहिए बिकॉज हमारा पर्पस अगर ये रहेगा कि हम लोगों के जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम है हम उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली द नेक्स्ट PM विच इज प्रॉफिट एंड मनी जो है
ये सारी चीजें हमें मिल भी जाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस सिर्फ प्रॉफिट इज विच इज मनी, राइट, अगर यही रहेगा तो कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज हम हमारे कस्टमर्स के नीड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं। अगर हमारा जो नीड है, हमारा जो पर्पस, अगर हमारा मिशन रहता है, हम उनके नीड को फुलफिल करते हैं, हम ऑटोमेटिकली इन सारी चीजों को भी इंप्लीमेंट करते हैं, फुलफिल करके चलते हैं। सो वी हैव टू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हमने जो एक्सक्यूजेस है उसको थोड़ा सा हमने दूर रखने की जरूरत है। एक्सक्यूजेस, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये बाकी टीम मेंबर्स को या फिर अपलाइन के ऊपर छोड़ देते हैं। डेफिनेटली नॉट, यू हैव टू डू, वी हैव टू डू, हमने करना ही करना है, हमने हमेशा डिपेंड होके नहीं रहना है, लेटर ऑन हमें दिक्कतें हो सकती हैं। टू अर्ली, अभी तो बहुत ज्यादा जल्दी है, अभी बहुत ज्यादा बिजी है या फिर बहुत स्ट्रेस्ड है, इसको बाद में करेंगे। दीज ऑल आर द एक्सक्यूजेस, बिकॉज प्रोग्रेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिजल्ट। प्रोग्रेस जो है वो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट से। सो जिस वजह से डेली डेली मैसिव एक्शन करते हैं, ये हम सबके लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। वर्क ऑन योर माइंडसेट फर्स्ट, हमने सबसे पहले अपने माइंडसेट पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप। प्लानिंग जो है सबसे पहली सीढ़ी है हमें हमारे सपनों तक पहुंचने के लिए। कमिटमेंट टू स्टिक टू एक्शन, हमने जो कमिटमेंट किया है अपने टीम के साथ, वीकली हो चाहे मंथली हो चाहे ईयरली हो, एक टारगेट सेट किया हुआ है कि डेफिनेटली हम लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे, डेफिनेटली बिजनेस भी काफी ज्यादा अच्छे से इंक्रीज भी रहेंगे। इफ वी विल टॉक अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम के बारे में अगर हम बात करें, अपनी कंपनी के बारे में बात करें, सो डेफिनेटली एवरीवन नोस, इज इट पॉसिबल टू एड न्यू पीपल इन योर ग्रुप? क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम नए लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सके अपने ग्रुप में? यस या नो, राइट? डेफिनेटली सबके आंसर यस ही रहेंगे, एंड यस, गुड टू नो। तो डेफिनेटली यस ही रहेंगे। सो जिस वजह से हम, क्योंकि ये बिजनेस जब कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू लोगों की, हमारी टीम साइज की बड़े होने की काफी ज्यादा जरूरत है। सो हम अपना बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहते हैं, हमें अपनी टीम साइज को भी बड़ा करना होगा। सो डेफिनेटली यस। डू यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ? क्या यह हमें लगता है कि वो सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में चाहते हैं? डेफिनेटली यस। सो स्टे इन कॉन्स्टेंट टच विथ योर प्रोस्पेक्ट, हमने हमारी प्रोस्पेक्ट से कॉन्स्टेंट टच में रहने की जरूरत है। कभी कभी हम फॉलो अप करना भूल जाते हैं या फिर बिजी रहने की वजह से नहीं कर पाते हैं, और वही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। हमने बिलीव करना है, भरोसा करना है, सेल्फ बिलीव, यस वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं, एंड वी कैन अचीव, हम अपने गोल को बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अपलाइन बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज योर ग्रोथ इज इक्वल्स टू योर अपलाइंस ग्रोथ। तो डेफिनेटली अपलाइन बिलीव होना इंपॉर्टेंट है, कंपनी बिलीव होना, क्योंकि कंपनी से ही हमें पे आउट जो रहेंगे वो काफी अच्छे खासे मिलेंगे, इफ वी विल डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, राइट? कंपनी बिलीव होना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट बिलीव होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। सिस्टम बिलीव होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे इन सब चीजों के साथ साथ प्रोडक्ट का 100% पर्सनल यूज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट का 100% पर्सनल यूजर नहीं रहेंगे, डेफिनेटली हमें खुद उनके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और हम रेकमेंड भी नहीं कर पाएंगे। सो देन यू हैव टू शेयर द प्रोडक्ट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स। इनके साथ साथ जो टारगेट हमारे ऑडियंस है उनको हमें काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मेक अ लिस्ट, इन्विटेशंस, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड वन मोर थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर बिजनेस, टू ग्रो योर बिजनेस, विच इज ऑफर प्रोडक्ट्स जो है,
हम लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, अभी बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो कि हम बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हैं, विच इज इंट्रो ग्रैंड ऑफर चल रहे हैं, राइट। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी केवा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि 5 न्यू आईडी करते हैं विथ 800 BP ईच करते हैं, 1 नवंबर से लेके 5th ऑफ नवंबर तक, जो कि हम लोग बोल सकते हैं परसों है, राइट। देन वो लोग एलिजिबल रहेंगे फ्री कैश रिवॉर्ड जिसकी कीमत 1,000 रुपए है। जितना ज्यादा मल्टीपल होने होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। 10 लाइक न्यू आईडीज के ऊपर अगर करते हैं 800 VP ईच, तो 2,000 कैश रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे। 20 न्यू आईडी करते हैं 800 BP ईच 1st टू 5th ऑफ नवंबर तक, तो 4,000 हम लोग यहाँ पे कैश रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे। शर्त ये है कि KYC वेरिफिकेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर किसी ने बाई मिस्टेक भी पैन कार्ड या फिर मोबाइल नंबर यूज वाले भी अगर यहाँ पे यूज किए हुए हैं, तो वो न्यू ज्वाइनिंग में बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होंगे। सेल्फ बीपी ऑफर भी चल रहा है, विच मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी केवा डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1,000 सेल्फ बीपी भी करते हैं 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक, तो वो लोग 1 पीस सर्वाइकल के ड्रॉप जो है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसकी कीमत 949 रुपीज की है। 2,000 सेल्फ पीपी पे 2 पीसेस रहेंगे, 3,000 सेल्फ पीपी पे 3 पीसेस, 4,000 सेल्फ पीपी पे 4 पीसेस, एंड 5,000 सेल्फ पीपी पे 5 पीसेस रहेंगे, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। और लाइक दिक्कतें जो है, जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, ये सारे उन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन भी हम बहुत ही अच्छे से इस प्रोडक्ट से ले सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस उन सारे प्रॉब्लम से, राइट। देर इज अ ब्लास्टिंग ऑफर ऑल्सो, विच इज ये दोनों ही नो लाइक न्यू या फिर ओल्ड जो लाइक एरिया स्टॉकिस्ट है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। चाहे वो न्यू एरिया स्टॉकिस्ट हो या फिर ओल्ड हो, डेफिनेटली अगर वो करते हैं परचेज ऑफ 50,000 50,000 बाय 5th ऑफ नवंबर तक, तो वो लोग एलिजिबल रहते हैं 3 पीस हम लोग बोल सकते हैं केवा विमेन केयर पाउडर के लिए, जो 500 ग्राम का इनका बॉक्स रहता है, एंड द प्राइस इज 5,999, विच मीन्स 6,000 रुपए में सिर्फ 1 रुपए ही कम है। अगर 3 पीसेस की अगर हम बातें करें, 17,000 रुपए 17,997 रुपीज जो के प्रोडक्ट्स है, वो सारी चीजें हुई, ये तीनों प्रोडक्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, विच इज रियली वेरी अमेजिंग, क्योंकि इसका नाम ही है विमेन केयर पाउडर, विच मीन्स ये ऑल ओवर टॉप टू बॉटम तक विमेन के हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने का काम करेंगे। ऑन परचेज ऑफ अगर हम देखेंगे 1 लाख, अगर हम मल्टीपल करते हैं 50 का, राइट, 1 लाख या फिर उससे ज्यादा का परचेज करते हैं बाय द एंड ऑफ 5th ऑफ नवंबर, तो हम लोग 6 पीसेस के वह विमेन केयर पाउडर के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसकी 6 पीसेस की कॉस्ट 35,994 रुपीज की रहेगी, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इससे हम अपना अपने परिवार का और डेफिनेटली हमारे जो प्रोस्पेक्ट है या फिर जो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छे से उनको रिटेल भी कर सकते हैं, कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दिस ऑफर विल काउंट ओनली ऑन रीपर्चेस प्रोडक्ट पे ही अकाउंट रहेंगे। यहाँ पे स्पेशल ऑफर भी है, विच इज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल तरह से, कोई भी लाइक केवा डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हु विल रेफर न्यू एरिया स्टॉकिस्ट, अगर वो रेफर करते हैं टू डू लाइक परचेज ऑफ 50,000 5 नवंबर तक, तो वो लोग 3 पीस केवा विमेन केयर पाउडर के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर कोई भी केवा डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रेफर करते हैं न्यू एरिया स्टॉकिस्ट, जो कि टू डू परचेज ऑफ ₹1 लाख या फिर उससे ज्यादा 5 नवंबर तक, तो वो लोग 6 पीस केवा विमेन केयर पाउडर के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड डेफिनेटली ये भी जो ऑफर हमारा रहेगा, ये भी काउंट किया जाएगा रीपर्चेस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। इनके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सिंपली इतने सारे अमेजिंग ऑफर है, बाय वन गेट टू के भी ऑफर्स है ऑन 110 प्रोडक्ट्स।
हम बहुत ही अच्छे से बाय वन गेट टू के ऑफर्स भी ले सकते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट्स भी रहेंगे क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है इस वजह से, और इनके साथ साथ अपने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस जो है इन सारी चीजों को हम मेंटेन कर सकते हैं. सो बी ब्राइट, बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी यू, दिस इज द वे कि हम बहुत ही अच्छे से अपने विजन को होल्ड करके जो प्रोसेस है, हम बहुत ही अच्छे से प्रोसेस पे ट्रस्ट करके अपने विजन को हम बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं जो हमने मिशन क्रिएट किया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, विद द हेल्प ऑफ ऑफर, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट, विद द हेल्प ऑफ कंपनी, विद द हेल्प ऑफ कंपनी सिस्टम, इन सारी चीजों से. सो होप यू लाइक दिस सेशन. अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. यू कैन फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स. Thank you so much, sir. Good to know that you like this session. And I hope आज का session जो है हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा fruitful भी रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो hold the vision, trust the process, जो आज का हमारा यहाँ पे topic था, easily हमने यहाँ पे ज्यादातर एक ही चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे discuss की, which is have patience. हमें जो हमारा जो रिजल्ट है, फ्रूटफुल रिजल्ट जो हम चाहते हैं, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से, यू नो, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिया, प्रीशियस टाइम दिया. सो स्टे सेफ ऑल, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच एवरीवन.